स्टूडेंट्स, दिस इज़ इब्राहिम। आगे जाके लॉ में हमने बहुत से वर्ड्स पढ़ने हैं जहाँ पे हमारे पास अक्सर एक वर्ड यूज़ हो रहा होगा, कमीशन का, कमिश्नर का या रजिस्ट्रार का। ये वर्ड्स क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मैं दो तीन एग्जाम्पल्स आपके सामने कोट करता हूँ। पहली एग्जाम्पल ICAP। फेडरल गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया, उस कानून के तहत एक बॉडी बनी जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान। इस बॉडी के अंदर बहुत से काउंसिल के मेंबर्स हैं, हमारे पास ICAP के काउंसिल के मेंबर्स हैं, और ICAP के काउंसिल के मेंबर्स के नीचे बहुत सारे ICAP के ऑफिसेज हैं। हेड ऑफिस कराची में है, उसके अलावा हमारे पास पंजाब में ठीक ठाक ऑफिसेज हैं, तो अक्रॉस द पाकिस्तान बहुत सारे ऑफिसेज हैं। अगर आपको CA में एडमिशन लेना होता है तो आप काउंसिल मेंबर के पास नहीं जाते, या ज़रूरी नहीं कि आप ICAP के हेड ऑफिस में जाएं या आप ICAP के काउंसिल मेंबर्स के पास जाएं, आप जाते हैं किसी भी ICAP की ऑफिस में जो कि रजिस्ट्रेशन ऑफिस होती है, और वहां पे अपने आप को एज अ स्टूडेंट आप रजिस्टर्ड करवा लेते हैं। प्यारे बच्चों, एक और एग्जाम्पल आपको देता हूँ। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इस मुल्क में टैक्स इकट्ठा करना था, फेडरल गवर्नमेंट ने एक बॉडी बनाई जिसका नाम था FBR, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, सही है। इसके अंडर आपने देखा होगा बेतहाशा कमिश्नर्स आ रहे होते हैं, एक बॉडी है तो कोई ना कोई लोग भी होंगे ना, बेतहाशा कमिश्नर्स आ रहे होते हैं। इसी तरीके से प्यारे बच्चों, हमारे मुल्क में जो कंपनीज़ हैं इनको कौन गवर्न करेगा, इनकी रजिस्ट्रेशन, डी रजिस्ट्रेशन, इनके मामलात को कौन देखेगा प्यारे बच्चों, इसके लिए एक बॉडी बनाई गई जिसका नाम है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। फेडरल गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया, उस कानून के तहत SECP बना, तभी SECP कंपनी नहीं है, ठीक है, SECP अपने कानून के तहत बनी हुई है, ठीक है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो एक ढांचा बना दिया, एक बिल्डिंग बना दी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नाम से, बॉडी स्टेटस दे दिया। अच्छा सर, लोग कौन होंगे? सर कमिश्नर्स होंगे, तो SECP में कौन होगा? कमिश्नर्स होंगे, सही है। और सर कमिश्नर्स के नीचे कौन आता होगा? कमिश्नर्स के नीचे बेतहाशा रजिस्ट्रार आते होंगे जो कि आपके डेली मामलात को, अगर मैंने कराची में बैठ के कोई कंपनी को रजिस्टर करवाना है तो मैं रजिस्ट्रार के पास चला जाऊंगा जो कराची में रजिस्ट्रार का ऑफिस है, ठीक है। अगर मैंने फैसलाबाद में कोई कंपनी को रजिस्टर करवाना है तो मैं फैसलाबाद चला जाऊंगा, फैसलाबाद में एक रजिस्ट्रार का ऑफिस होगा, मैं वहां जाके अपने डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर्ड करवाऊंगा। वो याद आ रहा है, फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड। तो रजिस्टर्ड क्या करवाना पड़ेगा? कुछ डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर करवाने पड़ेंगे। किसके पास रजिस्टर करवाने पड़ेंगे? रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवाने पड़ेंगे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम इंशाल्लाह रजिस्टर्ड को, कि हम एक कंपनी कैसे रजिस्टर करवाते हैं, इसको देखेंगे। तब तक बेहद ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।